दिल्ली के होटल शंग्रीला में विमेन एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 का आयोजन किया गया। हर साल देश के अलग अलग हिस्सों में इस समिट का आयोजन किया जाता है। इस समिट का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को समाज में योगदान देने के लिए प्रेरित करना और उन्हें हर सुविधा देना है। राजधानी दिल्ली उस सम्मेलन की गवाह बनी जो देश की महिलाओं के लिए समर्पित रहा। इस सम्मेलन का आयोजन महिला उद्यमिता संगठन यानी वुमन एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ने किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की भारत सरकार के इस्पात मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करने से हुई। इसमें शामिल हुई डॉक्टर टीवी लक्ष्मी रवि कुमार जो कि WEA की चेयरपर्सन है। समिट का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के साथ साथ जिंदगी की हर रेस में आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करना है। हमारे जैसे जितने औरतें हैं उनका तो थोड़ा सा हम हिम्मत बढ़ावा दे देंगे तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं और हमारा पूरा सामाजिक जीवन शैली जो है उसको अपलिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि MSME मिनिस्ट्री के अंदर इतना सारे स्कीम्स है, NRDC के पास इतने सारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जो जिनके बारे में इतना कम लोगों को मालूम है, वो हम ये जानकारी ये अंडर वन रूफ देना चाहते हैं। यही हमारा कोशिश रहेगी। ये सम्मेलन भारत सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा उद्यमी महिलाओं को शिक्षित, सक्षम और सशक्त बनाने के लिए एक पहल है। मुख्य अतिथि के तौर पर आए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसे देश की उन्नति के लिए एक अहम कदम बताया है। यहाँ जो यंग एंटरप्रेन्योर्स और वो भी वुमेन, उनके लिए बड़ा रास्ता मुश्किल नहीं है, लेकिन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और वो भी वुमेन के लिए आगे बढ़ने का बहुत अच्छा, ये एक, मैं ये कहूँगा कि ये एक नए युग की शुरुआत है। अगर हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सही मायनों में देखें तो वो बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस आयोजन में करीब 200 से ज्यादा सफल महिला उद्यमियों ने हिस्सा लिया। तेजी से बदलते कारोबारी दुनिया में महिलाओं के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करना ही WEA का उद्देश्य रहा है। प्रशांत त्यागी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, दिल्ली।